हेलो एवरीवन, आई एम आशीष। वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइस, आज हम सीबीएसई मैथ्स के क्लास 8 के थर्ड चैप्टर को शुरू करेंगे। ये एक न्यू चैप्टर है, ये एक ज्योमेट्री का चैप्टर है। राइट राइट गाइस, चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। सो ये एक ज्योमेट्री का पार्ट है, ठीक है, जिसमें आप शेप्स और शेप्स के वगैरह पढ़ते हो, उसके रिलेटेड कैलकुलेशन करते हो, ठीक है। अब देखो गाइस, क्या नाम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। सो क्वाड्रिलेटरल्स क्या होता है? फोर साइड्स वाली को, फोर साइड के शेप वाले को हम क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ते हैं। बट उससे पहले हम थोड़ा बेसिक्स देख लेते हैं ज्योमेट्री की, ठीक है। जैसे कि देखो गाइस, कर्व्स क्या होता है? सबसे पहले हम आते हैं कर्व्स पे, ठीक है। सबसे पहले हम आते हैं कर्व्स पे। सो गाइस, कर्व्स किसी भी तरह के शेप हो सकते हैं, ठीक है। किसी भी तरह के शेप को हम कर्व्स ही बोलते हैं, राइट। सो कर्व्स में अलग अलग टाइप के शेप होते हैं। जैसे कि गाइस देखो, ये वाला जो ऐसा अगर कोई शेप आ गया, देखो गाइस, ये एक साइड से बना हुआ है, एक स्ट्रेट लाइन से बना हुआ है। So, इस टाइप के शेप को हम लोग क्या बोलते हैं? सिंपल कर्व। ये एक सिंपल कर्व है, बट ये क्लोज नहीं है। सिंपल कर्व दैट इज नॉट क्लोज्ड, ठीक है गाइस। यहां देखो, ये कर्व है। कर्व मतलब क्या होगा गाइस? कि कोई भी चीज स्ट्रेट नहीं हो रही है। ये देखो, यहाँ पे एक लाइन स्ट्रेट लाइन, बट यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन आई, यहाँ पे बट बेंड हो गई, ठीक है। सो ये एक टाइप का कर्व है, मतलब कि वो स्ट्रेट लाइन कंटिन्यू नहीं हो रहा है, वो बेंड हो जा रहा है कहीं पर। तो ये एक सिंपल कर्व है, लेकिन ये क्लोज नहीं है। देखो, ये वाला हिस्सा खुला हुआ है, देखो यहाँ पर। सो एक टाइप का कर्व है, लेकिन ये क्लोज नहीं। अब जैसे देखो भाई, दूसरा टाइप का कर्व क्या होगा? ये कर्व में क्या, देखो भाई, ये भी देखो स्ट्रेट नहीं है, आड़ा टेढ़ा है। सो ये भी एक कर्व है, बट ये कर्व है ना, सिंपल टाइप का कर्व नहीं है, ये क्लोज कर्व है। देखो यहाँ से क्लोज है, देखो यहाँ से पूरा क्लोज है, बट ये सिंपल टाइप का नहीं है। सो ये कर्व है, a curve that is not simple, right? So एक type का curve है जो simple नहीं है। तीसरा type का curve लो, एक circle ले लो, circle, right? देखो guys, ये circle है, ये पूरी तरीके से closed है, और ठीक है, ये simple भी, क्योंकि इसका एक perfect shape है, ठीक है। तो ये simple closed curve है, ठीक है guys? Closed मतलब समझ रहे हो ना, वो पूरी तरीके से बंद रहेगा, एक पूरी तरीके से वो अटैच रहेगा उसके सारे पॉइंट्स। लेकिन सिंपल क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें कुछ इसकी जैसे बाहर नहीं निकल रहा है, तो ये पूरा एक तरीके से सिंपल कर्व है। और लास्ट में क्या आएगा? एक स्ट्रेट लाइन से बना हुआ कर्व, बट क्या है, वो प्रॉपर क्लोज नहीं है। देखो गाइस, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? सिंपल कर्व दैट इज नॉट क्लोज्ड। ये एक तरीके से सिंपल कर्व है, दैट इज नॉट क्लोज्ड। क्लोज क्यों नहीं है गाइस? क्योंकि देखो, अगर ये पूरी तरीके से क्लोज होता तो यहाँ से भी क्लोज होता, बट ये यहाँ से ओपन है, ठीक है। तो ये टाइप का सिंपल कर्व है, बट कम्प्लीटली क्लोज नहीं है। सो ये एक बेसिक से ज्योमेट्री की, कि हम कर्व, क्योंकि ज्योमेट्री में कोई भी शेप एज अ कर्व की तरह रिप्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो देखो गाइस, कोई भी आपका कर्व ले लो, जैसे मान लो आपने सर्कल ले लिया, तो सर्कल के जो अंदर रहता है ना, इसको हम लोग इंटीरियर बोलते हैं, ठीक है। ये सब गाइस आपने बेसिक प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़े होंगे, लाइक सेवेंथ या सिक्स में, बट मैं आपको एक रिवीजन करा दे रहा हूँ, ठीक है। इंटीरियर होता है, और जो उसके कर्व के बाहर, जो बाहर का जो पार्ट होता है, इसको हम एक्सटीरियर बोलते हैं। एक्सटीरियर मतलब बाहर का पार्ट, राइट। इंटीरियर मतलब अंदर का पार्ट, राइट। सो ये एक्सटीरियर, इंटीरियर, बाहर। अब देखो गाइस, अब हम मेन हमारे चैप्टर का है क्वाड्रिलेटरल्स, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल्स मतलब ऐसी चीज जो लाइन से बनती हो, फोर साइड से बनती हो। सो गाइस, जो ऐसा कर्व जो लाइन से बनता हो, स्ट्रेट लाइन से कंबाइंड होकर बनता हो, उसे हम क्या बोलते हैं? पॉलीगॉन, राइट। पॉली मीन्स मेनी एंड गॉन्स मीन्स साइड, राइट। सो पॉली मीन्स मेनी एंड गॉन मीन्स साइड, मीन्स पॉलीगॉन इज अ शेप विथ मेनी साइड, राइट। सो पॉलीगॉन में काफी टाइप के शेप होते हैं, लाइक आप ट्राइंगल बना सकते हो, राइट। ट्राइंगल में भी तीन साइड है, तो ये भी पॉलीगॉन है। आप स्क्वायर बना सकते हो, सो स्क्वायर में चार साइड होते हैं, लाइक ये सब होते हैं, ठीक है। तो ये सब और भी काफी सारे होते हैं, लाइक आप पेंटागन बना सकते हो, इसमें पांच साइड है। सो ये सब पॉलीगॉन, लाइक मल्टीपल साइड सारे, ठीक है। देखो, कुछ कुछ कर्व ऐसे भी होते हैं जो पॉलीगॉन नहीं होते, बट वो स्ट्रेट लाइन से बने होते हैं, राइट। जैसे कि आप देखो, ये वाले इस टाइप के कर्व्स, ये देखो आप, ये स्ट्रेट लाइन से बने, बट ये पॉलीगॉन नहीं है, क्योंकि यहाँ का कुछ साइड बाहर जा रहा है, ठीक है। सो ये कुछ लेंथ बाहर जा रहा है, तो इस टाइप के कर्व्स पॉलीगॉन नहीं होते। जैसे कि ये वाला एग्जांपल भी ले लो, ये वाला एग्जांपल, इसमें भी देखो ये पार्ट बाहर जा रहा है, तो दिस इज नॉट अ पॉलीगॉन कंप्लीटली, ठीक है। तो ये कर्व्स ऐसे होते हैं जो पॉलीगॉन कर्व्स हैं, बट नॉट पॉलीगॉन, ओके, राइट। और ये सब पॉलीगॉन है, ठीक है।
राइट देखो गाइस, पॉलीगॉन में कई टाइप के शेप होते हैं, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, पेंटागॉन, ऑक्टागॉन, ठीक है। सो गाइस देखो, ये ए बी सी डी ये सब वर्टेक्स है, ठीक है। सो जो किसी वर्टेक्स के जो पास में होते हैं ना, जो लाइक ए के पास में बी है और डी है, तो ये सब इन्हें हम कंसेक्यूटिव वर्टेसेस बोलते हैं, राइट। लेकिन जो पास में नहीं है, जो दूर है, लाइक ए से दूर कौन सा है, डी और बी तो पास में है, तो दूर कौन सा है, सी। सो जो सी है वो नॉन कंसेक्यूटिव वर्टेसेस बन जाता है, ठीक है। दो टाइप के वर्टेसेस होते हैं, कंसेक्यूटिव वर्टेसेस और एक नॉन कंसेक्यूटिव वर्टेसेस, राइट। जैसे कि देखो, ए के लिए नॉन कंसेक्यूटिव सी है, ठीक है, क्योंकि बी और डी तो पास में है, और बी के लिए नॉन कंसेक्यूटिव क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि ए और सी तो उसके पास में बी के, बट डी दूर है। सो गाइस, जो नॉन कंसेक्यूटिव वर्टाइसेस को जोड़ के जो लाइन बनती है ना, उसे हम डायगोनल्स कहते हैं, ठीक है। जैसे कि देखो, ए ए के पास में क्या है, डी है और बी है, तो ये कंसेक्यूटिव वर्टाइसेस हो गए। जो दूर है, दूर कौन सा, सी, तो सी नॉन कंसेक्यूटिव वर्टाइस हो गया। तो आप ए और सी को अगर आप जोड़ दोगे एक लाइन से ना, देखो ऐसे, तो ये जो लाइन बन गया ना, ये डायगोनल हो गया, ठीक है। सो हम ए और सी, देखो ये लाइन को हम ऐसे लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल या अल्फाबेट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये डायगोनल हो जाएगा, राइट। अब देखो, बी बी के पास में क्या है, ए और सी है, लेकिन दूर क्या है, डी, तो डी नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिस हो गया, और बी और बी को अगर आप जोड़ दोगे तो ये डायगोनल बन जाएगा, ठीक है गाइस। सो गाइस, इसी में एक आगे कॉन्सेप्ट आता है कि कॉन्वेक्स पॉलीगॉन और एक आता है कॉनकेव पॉलीगॉन, ठीक है गाइस। सो गाइस, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन वही पॉलीगॉन होते हैं जिसके डायगोनल्स अंदर बने। जैसे कि देखो गाइस, अगर आप समझो पेंटागॉन ले लो, पेंटागॉन मतलब गाइस देखो, पेंटा मतलब 5 एंड गॉन मतलब साइड्स। देखो ये पेंटागॉन, यहां 1 2 3 4 5 फाइव साइड्स है। सो पेंटागॉन गाइस, ऐसे बहुत सारे साइड्स होते हैं, पेंटा मतलब 5 होता है, 5 एंड गॉन मतलब साइड्स। सो अ पॉलीगॉन विद 5 साइड्स, राइट। सो देखो गाइस, यहाँ पे देखो, ये इसमें आप जितने भी डायगोनल बनाओगे, जैसे देखो ए बी सी डी ई, गाइस आप कोई भी ज्योमेट्री का शेप बनाते हो ना, मोस्टली पॉलीगॉन में, तो आप उनके वर्टिसेस के नाम दे दो, ये सब वर्टाइसेस होते हैं, राइट। ये जो शार्प एजेस है, ठीक है। तो देखो गाइस, तो ये सब वर्टाइसेस हो गए। सो अब मैंने आपको बताया भी, नॉन कंसेक्यूटिव वर्टाइसेस मिलकर क्या बनते हैं, डायगोनल बनते हैं। सो देखो, इसमें जितने भी डायगोनल बनेंगे, जैसे ए टू सी, फिर बी टू डी, यहाँ E टू C, ये जितने भी डायगोनल बनेंगे ना गाइस, यहाँ E टू, यहाँ देखो ये वाला हो गया, फिर ये हो गया। सो गाइस, जितने भी डायगोनल्स बन रहे हैं ना, देखो गाइस सब अंदर बन रहे हैं, ठीक है। ये शेप, ये जो डायगोनल्स बाहर नहीं जा रहे हैं। सो ऐसे पॉलीगॉन जिनके डायगोनल्स अंदर बने, उन शेप के अंदर बने, उसे कॉन्वेक्स पॉलीगॉन बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे जितने भी डायगोनल्स बने, ए डी ये वाले, जितने भी अंदर लाइन मैंने बनाया अभी, वो सब अंदर बने, इसके बाहर नहीं बने। जैसे कि आप स्क्वायर ले लो, सो स्क्वायर भी देखो, स्क्वायर में आप डायगोनल बनाओगे, स्क्वायर में ऐसे डायगोनल बनाओगे अंदर अंदर बनेगा, ठीक है। तो ये स्क्वायर के अंदर बना, तो इसके लिए स्क्वायर भी एक कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है, ठीक है, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है। लेकिन कॉनकेव पॉलीगॉन क्या होता है, ये वाला शेप ले लो, राइट। देखो ए, अब सारे वर्टिसेस के नाम दे दो, ए बी सी और डी, राइट। तो देखो गाइस, क्या होता है कि ए का कंसेक्यूटिव वर्टिसेस कौन होगा, बी और डी, क्योंकि पास में, बट दूर कौन सा है, सी, तो सी नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस है, और किसी दो नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस को जोड़ने से वो डायगोनल बन जाता है। तो ए और सी को अगर आप जोड़ोगे, ऐसे जोड़ोगे, तो ये ए और सी डायगोनल है, ठीक है, ये तो डायगोनल है। लेकिन गाइस ये देखो कि जो ये डायगोनल है, ये इस शेप के बाहर बना, ठीक है। ये जो डायगोनल ए और सी बना, वो एक्चुअल शेप तो ये था ना सिर्फ, वो उसके बाहर बना। तो इस टाइप के पॉलीगॉन को कॉनकेव पॉलीगॉन बोलते हैं, जिनका डायगोनल बाहर बनता है, आउटसाइड डायगोनल, ठीक है गाइस। समझा आपको कि उनकी जो डायगोनल है वो शेप के बाहर बनते हैं, ठीक है, राइट गाइस। सो आपने ये समझा। अब देखो गाइस, क्या होता है कि अगर समझो कोई पॉलीगॉन हो जिसमें उसके सारे साइड्स और एंगल सेम हो, सो उसे हम रेगुलर पॉलीगॉन बोलते हैं, ठीक है। रेगुलर पॉलीगॉन मतलब, जैसे कि स्क्वायर, देखो स्क्वायर, रेगुलर पॉलीगॉन मतलब क्या होता है गाइस, उसके सारे साइड और एंगल सेम होंगे। देखिए देखो, ये स्क्वायर है, इसके सारे साइड्स ना, स्क्वायर की खासियत क्या होती है गाइस, कि स्क्वायर के सारे साइड्स इक्वल होते हैं। अगर कोई एक साइड 5 सेंटीमीटर है, तो बाकी के तीनों साइड भी 5 सेंटीमीटर होंगे, और उसके सारे एंगल भी इक्वल होते हैं। मतलब रेगुलर होने के लिए सारे साइड्स का इक्वल होना जरूरी है, देखो गाइस, और सारे एंगल का इक्वल होना भी जरूरी है, वो कोई भी हो सकता है, ठीक है गाइस। देखो गाइस, क्या होता है ना, ज्योमेट्री में हम कभी भी साइड्स की इक्वालिटी को या एंगल की इक्वालिटी को रिफर करने के लिए ऐसा कुछ लाइन बना देते हैं, ठीक है। जैसे कि देखो,
जैसे कि देखो मैं इक्विलेटरल ट्राइंगल बना रहा हूँ, ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल खासियत आपको पता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटर मतलब गाइस क्या होता है कि उसके सारे साइड और सारे एंगल इक्वल होंगे। तो इक्वालिटी शो करने के लिए समझो ये साइड अगर इक्वल है और ये वाला साइड इसके इक्वल है, तो मैं इधर भी एक ही लाइन बनाऊंगा, तीसरा वाला साइड भी इक्वल है ऊपर दोनों के, तो एक ही लाइन। मतलब ये शो करता है कि अगर किसी साइड पे आपने सेम टाइप की लाइन बनाए, मतलब वो इक्वल है, से एंगल को हम ऐसा ऐसा कर्व बना देते हैं, ठीक है, कि तीनों एंगल इक्वल है। तो ये टाइप के रेगुलर पॉलीगोन से, इररेगुलर पॉलीगोन कैसे होंगे, मान लो कि मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, ठीक है। अब देखो इररेगुलर पॉलीगोन मतलब कैसे होते हैं, रेक्टेंगल बनाया, देखो ऐसे रेक्टेंगल में क्या होता है कि सारे एंगल तो इक्वल होते हैं 90 डिग्री के, पर जो साइड्स अलग अलग होते हैं, जैसे ये साइड इक्वल होगा लेकिन ये वाला साइड अलग हो गया। देखो तो इसके लिए यहां मैंने दो लाइन बनाया, मतलब ये वाला साइड सेम है बट ये साइड अलग है, ठीक है। तो जो अलग है उसको हम अलग लाइन से बना लेंगे, अलग उसमें लाइन मार्क करेंगे, ठीक है, एक मार्क होता है, राइट गाइस। जैसे कि हमने, जैसे कि देखो ये साइड था, तो साइड में इस टाइप का मार्क किया, तो ये मार्किंग शो करता है कि ये दोनों साइड इक्वल है। सेम एंगल के लिए हम ऐसा मार्किंग यूज करते हैं, या फिर आप ऐसा डबल मार्किंग भी यूज कर सकते हो, ठीक है। सो ये रहे कुछ बेसिक्स। सो गाइस हम मूव करते हैं एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 पे, ठीक है। सो गाइस एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को हम रीड करते हैं। इसमें लिखा है गिवन हियर आर सम फिगर्स, सो ये कुछ फिगर्स दिए हुए हैं और इसमें लिखा है कि क्लासिफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। लाइक ये जो फिगर्स दिए हुए ना गाइस, इसको आपको बताना है कि ये किस टाइप के कर्व फॉलो करते हैं, ये कौन से टाइप के कर्व्स हैं। सो यहाँ पांच टाइप के कर्व्स दिए हुए, लाइक सिंपल कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व, पॉलीगन, कॉन्वेक्स पॉलीगन एंड कॉनकेव पॉलीगन, ठीक है। सो ये जो आपको फिगर्स दिए हुए लाइक पहला फिगर, तो पहला फिगर्स कितने सारे फिगर्स को कौन से प्रॉपर्टीज फॉलो करता है, ठीक है। सो वो आपको देखना है, राइट। सो गाइस हम फर्स्ट फिगर को देखते हैं, ये फिगर को गाइस, ठीक है। हमारा फर्स्ट फिगर ये है, देखो ये वाला फिगर है हमारा। सो गाइस इसमें देखो ये एक स्ट्रेट लाइन से बना हुआ है पूरी तरीके से, तो एक तरीके से सिंपल कर्व है, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ बाहर नहीं जा रहा, तो सिंपल कर्व भी है। दूसरा गाइस ये देखो ये पूरी तरीके से क्लोज्ड है, सो ये सिंपल कर्व भी है बट क्लोज्ड भी है, ठीक है, सिंपल क्लोज्ड कर्व। अब देखो गाइस ये स्ट्रेट लाइन से बना हुआ, मैंने आपको बताया था कि मेन साइड्स जिसमें साइड्स हो स्ट्रेट लाइन से बने हो, तो एक तरीके से पॉलीगॉन भी हुआ, ठीक है, ये पॉलीगॉन भी है। और गाइस देखो यहाँ पर, अब देखो अब पॉलीगॉन में मैंने आपको दो टाइप के पॉलीगॉन पढ़ाए थे, कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव। सो कॉन्वेक्स कौन से होते हैं, जिनके डायगोनल्स अंदर बनते हो, और कॉनकेव वो जिनके डायगोनल्स बाहर बनते हो। डायगोनल्स कैसे बनते हैं, नॉन कंसेक्यूटिव पॉइंट्स को, नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस को जॉइन करेंगे। अब देखो गाइस अगर ये लोग ये से इसको ए मान लो और ये बी और ये सी, सो ए बी और ये डी मान लो इसको, ठीक है, तो ए का वर्टिसेस तो बी और डी कंसेक्यूटिव वर्टिसेस होंगे, सी तो नॉन कंसेक्यूटिव है, इसका मतलब ए और सी को जॉइन करोगे तो ये डायगोनल बनेगा, लेकिन ये तो इसके बाहर बन गया, इसका मतलब ये कॉनकेव है। कॉनकेव मतलब वो होता है जिसके साइड्स बाहर हो, जिसके डायगोनल्स बाहर हो, राइट, ठीक है, तो ये कॉनकेव पॉलीगॉन बन गया, ठीक है, ठीक है गाइस। सो जो अपना फर्स्ट डायग्राम है, फर्स्ट डायग्राम जो ये था, ये क्या क्या फॉलो करता है, ये सिंपल कर्व भी है, सिंपल कर्व भी है, ठीक है, इसके लिए ये ऑप्शन ए ये फॉलो करता है, सिंपल कर्व भी है, फिर सिंपल क्लोज्ड कर्व भी है, ठीक है, फिर ये पॉलीगॉन भी है और ये कॉनकेव पॉलीगॉन, ठीक है। सब दूसरे क्वेश्चन, दूसरे डायग्राम पर आते हैं। वहां दूसरा डायग्राम क्या है, ये डायमंड शेप वाला, ठीक है। सो दूसरा डायग्राम है ऐसे, ठीक है गाइस। अब देखो अगेन से ये जो डायमंड शेप वाला है, ये हर एक साइड मतलब एक साइड से बना हुआ कर्व है और एक क्लोज्ड कर्व है, ठीक है, इसका मतलब क्या, ये सिंपल कर्व है और वो क्लोज्ड भी है। देखो ऐसे पूरी तरीके से क्लोज्ड है, तो क्लोज्ड कर्व भी है, सिंपल क्लोज्ड भी है, पॉलीगॉन भी है। और देखो ऐसे इसमें आप अगर डायगोनल्स बनाओगे, डायगोनल्स तो अंदर ही बनेंगे ना, देखो डायगोनल्स अगर ऐसे बनाओगे डायगोनल्स तो अंदर ही बनेंगे, तो ये क्या हुआ, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है। सो ये क्या फॉलो करेगा, ए सिंपल कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व, पॉलीगॉन और कौन सा, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, ठीक है। अब देखो थर्ड डायग्राम पे आते हैं। थर्ड डायग्राम कैसा है, थर्ड डायग्राम इस तरीके से है, राइट गाइस,
वो थर्ड डायग्राम इस तरीके से है। सो थर्ड जो है देखो गाइस, ये तो सर्कल है, दोनों सर्कल है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ये तो पॉलीगन होगा नहीं, क्योंकि पॉलीगन मतलब जो स्ट्रेट लाइन मतलब साइड से बनते हो। तो ये तीन ऑप्शंस जो है ना यहाँ पर कि कॉनकेव पॉलीगन, कॉन्वेक्स पॉलीगन, पॉलीगन, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये तो सर्कल है, ठीक है, तो वो तो होंगे नहीं। अब देखो गाइस, ये कर्व है, ये क्लोज भी है, लेकिन ये मतलब सिंपल टाइप का कर्व नहीं, ये कर्व के अंदर कर्व है। सुना तो ये सिंपल कर्व ना ही सिंपल क्लोज कर्व है, क्योंकि देखो गाइस पहले जगह पे यहाँ पे भी सिंपल लगा हुआ है और यहाँ पे भी सिंपल लगा हुआ है, लेकिन ये क्लोज जरूर है और कर्व भी है, लेकिन क्या है सिंपल है नहीं है, क्योंकि एक कर्व के अंदर दूसरा एक और कर्व आ जाता है। इसके लिए ये कुछ भी नहीं है, मतलब ऑप्शन में ये जो दिया हुआ है ना सिंपल कर्व, सिंपल क्लोज कर्व, पॉलीगॉन, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, कॉन्केव पॉलीगॉन, ये इसमें से कुछ भी नहीं है, इसके लिए किसी को भी फॉलो नहीं करता, ठीक है। अब फोर्थ देखते हैं, फोर्थ देखें, फोर्थ हमारा कैसा है, एक स्टार है, ठीक है, एक स्टार जैसा है, राइट। सो फोर्थ हमारा डायग्राम एक स्टार जैसा है, ये देखो ऐसा कुछ है। सो गाइस जो फोर्थ है ये भी कर्व है, लेकिन क्या है सिंपल है क्या नहीं है, क्योंकि ये मतलब इसकी जो लाइन है एक साइड से लाइन बाहर जा रहे हैं, देखो यहां से यहां जाके फिर यहां बाहर चले जाते हैं। सो ये इंटरनली कनेक्टेड है लेकिन बहुत बाहर जा रहे हैं, फिर ये आप पॉलीगोन में नहीं बोल सकते इसको, क्योंकि मैंने आपको पॉलीगोन का बताया था कि पॉलीगोन में जो जो पॉलीगोन है उनके साइड्स बाहर नहीं जाने चाहिए। जैसे देखो इसमें अगर आप इसको साइड ले लोगे तो यहाँ से तो ये बाहर जा रहा है, मतलब ये एक फिक्स शेप में नहीं बन रहा है, ठीक है, क्योंकि इसके एक साइड दूसरे साइड को कट करके बाहर जा रहे हैं। तो ये भी ना तो ये सिंपल कर्व है, क्योंकि सिंपल नहीं है, क्योंकि सिंपल अगर होता तो सिर्फ एक जगह क्लोज हो जाता, ठीक है, या तो ओपन रहता या तो सिंपली क्लोज हो जाता, बट ये ऐसा है क्या नहीं, क्योंकि इसके समझो देखो ये वाले साइड यहाँ से यहाँ आ रहे हैं तो यहाँ से एक्सटेंड हो जा रहे हैं, बढ़ जा रहे हैं, तो ये भी कुछ फॉलो नहीं करता, इसमें से वो कोई भी नहीं रहेगा, ठीक है। अब फिफ्थ कर्व पर आते हैं, फिफ्थ कर्व कैसा है इस तरीके से गाइस देखो। सो गाइस अगेन देखो ये सर्कल जैसा दिख रहा है, तो मतलब पॉलीगोन तो नहीं बन सकता क्योंकि साइड से नहीं बना हुआ है, इसके अंदर साइड्स नहीं है, तो पॉलीगोन के तीनों ऑप्शन हट जाएंगे, लेकिन ये क्लोज है, ठीक है, सिंपल कर्व भी है और क्लोज भी है, ठीक है गाइस। तो जो फिफ्थ वाला होगा वो सिंपल कर्व भी है, ये ए ऑप्शन और बी ऑप्शन, ठीक है, फिफ्थ वाला, क्योंकि देखो है सिंपल कर्व, ये सिंपल कर्व भी है और सिंपल क्लोज कर्व भी है। सिंपल कर्व मतलब क्या होता है कि वो जस्ट एक कर्व, लाइक ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, इसको सिंपल बोलते हैं। सो ये एक सिंपल टाइप का कर्व है, लेकिन ये क्लोज भी है, सो ये क्लोज कर्व भी आएगा, ठीक है, तो ए और बी। अब सिक्स में आते हैं, तो गाइस जो सिक्स है, सिक्स का शेप कैसा है, सिक्स का शेप ऐसा है, ठीक है, इस तरीके से देखो ऐसे कहीं पे ओपन है क्या नहीं, ये मतलब ये भी क्लोज्ड है और एक टाइप का ये भी एक सिंपल कर्व है, क्योंकि ये भी कहीं से इसका कोई साइड्स बाहर नहीं निकला है, ये ऐसा नहीं है कि मतलब ये इस तरीके से इसका कोई साइड बाहर निकल गया, ये इस तरीके का नहीं है, इसमें सब कनेक्टेड है दूसरे से, इसका मतलब सिंपल कर्व है और एक क्लोज्ड भी है, बंद है पूरा, कहीं खुला नहीं, ठीक है। सो अब सेवन शेप पर आते हैं, सेवन शेप कैसा, इस तरीके से देखो ये सब पॉलीगॉन्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भले यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है बट ये तो कर्व बन गया, नहीं सर्कल जैसा बन गया ना, जिसमें भी यही था, तो ये सब पॉलीगॉन्स कभी नहीं हो सकते, ठीक है। लेकिन हाँ देखो ये भी अगेन गाइस देखो एक सिंपल कर्व है, क्योंकि सिंपल कर्व मतलब क्या होता है कि उसके साइड्स बाहर नहीं जाने चाहिए कहीं से, तो ये एकदम फिक्स है और ये क्लोज्ड भी है, यहाँ देखो कहीं कहीं खुला है क्या नहीं, सब जगह बंद है, तो ये भी ए कॉमा बी है, ठीक है। और लास्ट आता है एट, एट देखो गाइस कैसा है, इस तरीके से। तो गाइस देखो ये क्या, ये शेप एकदम अजीब सा है, ठीक है गाइस, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन भी है और ये दोनों स्ट्रेट लाइन दो सर्कल को ज्वाइन कर रही है, ये भी अजीब सा कर्व है, ये भी कोई भी चीज फॉलो नहीं करेगी, ना ये पॉलीगॉन है क्योंकि पॉलीगॉन में सिर्फ साइड्स होनी चाहिए, यहाँ पे सर्कल भी है, तो ये किसी टाइप का पॉलीगॉन नहीं होगा और ना ही ये क्या होगा, ना ही कोई क्लोज कर्व, क्योंकि अगर क्लोज होता तो यहाँ से भी क्लोज होना चाहिए था ना, बट यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन बनी हुई है, तो ना ये क्लोज है और ना ही कर्व है कोई, ठीक है। तो आपने देखा कि कौन कौन से डायग्राम क्या फॉलो करते हैं। सो ए ऑप्शन कहाँ कहाँ दिख रहा है, फर्स्ट में दिख रहा है, देखो फर्स्ट में दिख रहा है, सेकंड में दिख रहा है, फिर फोर्थ में नहीं दिख रहा, फिफ्थ में दिख रहा है, सिक्स में दिख रहा है और सेवन्थ में दिख रहा है, ठीक है। तो जो आंसर आएगा उसमें जो ए है जो सिंपल क्लोज कर्व है वो कहाँ कहाँ दिख रहा है, फर्स्ट में दिख रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देख लो, ए जो है सिंपल क्लोज कर्व, सिंपल कर्व सॉरी, ए जो है हमारा सिंपल कर्व है, ए ऑप्शन क्या है सिंपल कर्व है, तो कहाँ कहाँ दिख रहा है, फर्स्ट में आ रहा है, सेकेंड में भी आ रहा है, देखो थर्ड में तो नहीं आ रहा, फोर्थ में नहीं आ रहा, फिफ्थ में नहीं, फिफ्थ में आ रहा है, देखो सिक्स्थ में आ रहा है और सेवन्थ में आ रहा है, ठीक है।
ए कहाँ का आ रहा है? फर्स्ट, सेकंड, राइट, फिर आ रहा है सिक्स्थ में, सेवन्थ में, राइट, और वो फिफ्थ में भी आ रहा है, ठीक है। सो फर्स्ट सेकंड वन टू फाइव सिक्स एंड सेवन। बी हमारा क्या है? सिंपल, बी हमारा क्या है? सिंपल क्लोज कर। बी कहाँ का आ रहा है? देखो बी कहाँ का आ रहा है? बी बी देखो फर्स्ट में आ रहा है, देखो फिर सेकंड में आ रहा है, सो वन टू फाइव में आ रहा है, सिक्स में आ रहा है और सेवन में आ रहा है, सो सेम हो गया बी भी, वन टू फाइव सिक्स और सेवन, ठीक है। सी हमारा क्या था? पॉलीगॉन था। सी देखो, सी क्या है? सी ऑप्शन क्या है? पॉलीगॉन है, पॉलीगॉन है, देखो। सो पॉलीगॉन कहाँ का आ रहा है? फर्स्ट में आ रहा है, सी ऑप्शन देखो, फर्स्ट में आ रहा है, सेकंड में आ रहा है और सिर्फ फर्स्ट और सेकंड में आ रहा है, तो सी क्या होगा? वन कॉमा टू। डी हमारा क्या था? कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, देखो डी क्या, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। डी कहाँ का आ रहा है? फर्स्ट में आ रहा है क्या? फर्स्ट में नहीं आ रहा, सिर्फ सेकंड में आ रहा है, देखो सेकंड में आ रहा है, थर्ड में आ रहा है नहीं, थर्ड में फोर्थ में कुछ नहीं आ रहा था, फिफ्थ में भी नहीं है, सिक्स्थ में भी नहीं है, सेवन में भी नहीं है, तो सिर्फ कहाँ आ रहा है? सेकंड में आ रहा है, ठीक है। और हमारा लास्ट क्या था? ई कॉनकेव पॉलीगॉन था। सो ई कहाँ का आ रहा है? देखो ई सिर्फ आ रहा है फर्स्ट में आ रहा है, ठीक है, सिर्फ फर्स्ट में आ रहा है, ठीक है। सो ये हो गया हमारा आंसर, फाइनल आंसर, ये हमारा कहाँ आ रहा है? फर्स्ट में आ रहा है, ठीक है गाइस, आपको समझा। सो इस तरीके से आपको सिर्फ ये जो शेप्स है उनको एनालाइज करने है, और जितने भी ऑप्शन में दिए थे जैसे सिंपल कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व, वो हर एक शेप को आपको देखना है कि क्या वो प्रॉपर्टी फॉलो कर रही है क्या उनकी, ठीक है। सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर वन, बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सो गाइस क्वेश्चन को रीड करते हैं, इसमें लिखा है हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव, लाइक देखो ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव मतलब ये जो तीन हमको तीन शेप्स दिए हुए हैं, ठीक है। सो इसमें कितने डायगोनल्स बनेंगे वो पता करने बोला, मैंने आपको डायगोनल्स बनाने के तरीके बताए, ठीक है। देखिए फर्स्ट शेप क्या है गाइस, देखो अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, ये कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, राइट। सो गाइस क्वाड्रिलेटरल पता है आपको क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल मींस क्वाड मींस फोर एंड लेटरल मींस अगेन से क्या होगा? साइड्स। सो कोई भी फोर साइड्स वाला, जैसे कि देखो मान लो आपने रेक्टेंगल ले लिया, ठीक है। सो कॉन्वेक्स मतलब गाइस मैंने आपको पहले बताया था, कॉन्वेक्स मतलब वो जो जिसके डायगोनल्स अंदर बनते हो, और क्वाड्रिलेटरल मतलब चार साइड वाला, चार साइड वाला तो रेक्टेंगल भी होता है, तो मान लिया आपने रेक्टेंगल ले लिया, ठीक है। सो इसके अंदर पूछे कितने डायगोनल्स बनेंगे, अब डायगोनल्स बनाने आपको आता है, ठीक है, जो नॉन कंसेक्यूटिव है उनको जोड़ दो, ए और सी नॉन कंसेक्यूटिव है, बी और डी नॉन कंसेक्यूटिव है, ठीक है, आपने जोड़ दिया तो कितने डायगोनल्स बने, पहला और ये दूसरा, सो इसके पास कितने हैं? टू डायगोनल्स, राइट। सो अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल हैव टू डायगोनल्स। सो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, रेगुलर हेक्सागन, ठीक है। सो बी क्या है? अरेगुलर, अरेगुलर हेक्सागन, ठीक है। रेगुलर हेक्सागन देखो गाइस, वापस मैं बता रहा हूँ, रेगुलर मतलब मैंने बताया था, रेगुलर मतलब जिसके सारे साइड्स और एंगल इक्वल हो। हेक्सागन मतलब देखो गाइस, हेक्सा मतलब क्या होता है? सिक्स होता है, सिक्स, एंड गॉन मतलब क्या होता है? साइड्स, मतलब छह साइड वाला, और रेगुलर मतलब सारे साइड इक्वल, ठीक है। छह साइड वाला देखो बनाते हैं हम लोग, एक दो तीन चार फाइव है सिक्स, सो ये सिक्स साइड्स बन गए, ठीक है, और ये सारे साइड्स इक्वल होंगे, इक्वल होंगे, इसके लिए मैंने एक एक लाइन से इनको मार्क कर दिया, क्योंकि ये शो करता है कि सारे साइड्स इक्वल है। सो इसके अंदर बोला है कि कितने डायगोनल्स बनेंगे, सो गाइस इसको वापस से साइड बना लेते हैं, ठीक है, वर्टाइसेस के नाम दे देते हैं गाइस, वर्टाइसेस के नाम दे दिया करो गाइस, इससे आपको इजी होगा सॉल्व करना, ठीक है, सी ई एफ, ठीक है। सो हम पहले ए का वर्टाइसेस देते हैं, देखो गाइस ए का कोरस्पोंडिंग वर्टाइसेस क्या है? बी और एफ, ठीक है, ये कंसेक्यूटिव वर्टाइसेस हो गया, तो जो दूर है मतलब सी डी ई ये सब दूर है, नॉन कंसेक्यूटिव है। सो ए से डायगोनल क्या बनेगा? ए टू सी पहला डायगोनल, ए टू डी दूसरा डायगोनल, और ए टू ई तीसरा डायगोनल, राइट। अब बी के लिए देखो गाइस, V के लिए देखो, V के लिए दूर कौन कौन से है? A और C तो कॉन्सिक्यूटिव मतलब F, E, D ये दूर हैं, सो B और F ये डायगोनल बन जाएंगे, B और E एक डायगोनल बन जाएंगे, और B और D ये डायगोनल बन जाएंगे। C के लिए देखो गाइस, अगेन C के लिए देखेंगे हम कि C के लिए B और D पास में, तो दूर क्या है? A, E और F। So, C से A तो पहले से बना हुआ है, C से F क्या बना हुआ है? कोई नहीं बना हुआ है, C से F एक बना लेंगे,
ठीक है, सी से एफ बन गया, फिर सी से ई बना हुआ क्या, नहीं बना हुआ, तो सी से ई एक बन गया, ये डायगोनल बन गया। अब क्या बचता है, डी बचता है। सो देखो गाइस, डी का क्या कंसेक्यूटिव सी और ई है, ठीक है, और नॉन कंसेक्यूटिव क्या है, ए ए बी एंड एफ। सो क्या डी से बी बना हुआ है, हाँ बना हुआ है, डी से ए बना हुआ है, हाँ बना हुआ है, डी से एफ बना हुआ है, डी से एफ नहीं बना हुआ है, तो डी से एफ हम बना लेते हैं, राइट। सो हम डी से एफ बना लेते हैं, देखो डी से एफ ये एक और डायगोनल बन गया। तो गाइस हमने डी का डायगोनल देख लिए, अब ई के डायगोनल देखते हैं। सो ये देखो ई से ई का कोरस्पॉन्डिंग क्या है, एफ और डी, तो कंसेक्यूटिव एफ और डी, तो कंसेक्यूटिव से नहीं बनता है, नॉन कंसेक्यूटिव से बनता है। सो नॉन कंसेक्यूटिव कौन से है, ए बी और सी, राइट। सो ई से का एक डायगोनल ए की तरफ जा रहा है, हाँ जा रहा है, ई से बी की तरफ जा रहा है, जा रहा है, और इसे सी की तरफ भी जा रहा है। सो ऑलरेडी ई से डायगोनल्स बने हुए हैं। सो आप क्या करो गाइस, ये जितने भी डायगोनल्स इंटरनली बने उनको काउंट कर लो। सो कितने डायगोनल्स है, राइट। सो कितने डायगोनल्स है, ए से ग्रीन जा रहे डायगोनल्स, तो 1 2 3, बी से ये दो ब्राउन वाले, सो 3 + 1 2 3 6, सी से ये दो पिंक वाले 7 8, और डी से ये पर्पल वाला, तो टोटल कितने बन गए, 9, राइट। सो टोटल डायगोनल्स कितने हैं, कितने हैं, नाइन, राइट। सो थर्ड ऑप्शन आता है सी, सी क्या है, रेगुलर ट्राइंगल, राइट, सी है अ ट्राइंगल, ट्राइंगल, राइट। सो हम ट्राइंगल को पहले बना लेते हैं, कोई कैसे भी ट्राइंगल बना लो आप, जैसे कि मान लो आपने ऐसा ट्राइंगल बनाया। सो देखो इस ट्राइंगल में देखो, मान लो आपने इसको ऐसे लिखा ए बी सी, इसके वर्टेक्स को नाम दे दिया, ये ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है। सो ए का कंसेक्यूटिव वर्टेसेस बी और सी है, लेकिन ए का कोई नॉन कंसेक्यूटिव वर्टेसेस तो है ही नहीं, ठीक है। उसी तरीके से सी का भी नॉन कंसेक्यूटिव वर्टेसेस नहीं है और बी का भी नहीं है, तो इसके लिए देयर इज नो डायगोनल, ट्राइंगल में कोई कभी भी डायगोनल नहीं बनता। सो नंबर ऑफ डायगोनल क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ डायगोनल क्या हो जाएगा गाइस, 0 ट्राइंगल के लिए, ठीक है, क्योंकि इसमें नॉन कोरस्पॉन्डिंग या फिर नॉन कंसेक्यूटिव वर्टेसेस है ही नहीं, तो इसके लिए नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या हो जाएंगे, 0, ठीक है। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 3 को रीड करते हैं, इसमें लिखा है व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कॉन्वेक्स। सो गाइस सबसे पहले इसमें पूछा क्या है कि उसने बोला कि व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एंगल्स, मतलब जो ऑफ द कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, राइट, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है गाइस। क्वाड्रिलेटरल मतलब क्या, क्वाड मतलब क्या, 4, और लेटर मतलब साइड्स, ऐसे ऐसा शेप जो 4 साइड से बनाओ। अब ऐसा मान लो कि आप रेक्टेंगल बना रहे हो, ठीक है, रेक्टेंगल। सो रेक्टेंगल क्या होता है, 4 साइड से बना होता है, देखो 4 साइड आ गए, 1 2 3 एंड 4, 4 साइड आ गए। सो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल आपको पता है क्या होता है, कॉन्वेक्स, मैंने बताया था आपको, कॉन्वेक्स वो होती है जिसके सारे डायगोनल्स अंदर बनेंगे। देखो आप इसका अगर डायगोनल्स बनाओगे तो सारे अंदर ही बनेंगे, ठीक है, देखो सारे अंदर ही बनेंगे, तो ये कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। उसने बोला कि व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एंगल्स, देखो सम मतलब क्या होता है, एडिशन, और किसका सम पूछा है, एंगल्स का, मतलब ये जो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है ना, इसके अंदर जितने भी एंगल्स बन रहे, कौन कौन से एंगल बन रहे, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, और चौथा ये, सो ये 4 एंगल्स बन रहे हैं। सो इन सब एंगल्स का जो सम है, मतलब जो एडिशन है, वो किसके इक्वल है। सो गाइस इतना आप याद रखो कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल लो, कैसा भी क्वाड्रिलेटरल लो, उसके जो भी सम होंगे, किसके एंगल के, उसके एंगल के जो भी सम होंगे वो हमेशा 360 डिग्री के इक्वल होंगे। मतलब क्या होगा, सम ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल लेटरल इज इक्वल टू, हमेशा हमेशा वो 360 डिग्री होते हैं। गाइस आप इतना याद रखो, ये हमेशा 60 डिग्री होते हैं। और उसने पूछा क्या है कि विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कॉन्वेक्स। देखो गाइस, अगर वो कॉन्वेक्स नहीं हुआ तो भी 360 डिग्री ही आएंगे। क्यों, क्योंकि एंगल्स तो 4 ही रहेंगे ना उसके अंदर। सो 4 एंगल्स का सम कभी भी क्वाड्रिलेटरल में हमेशा 360 डिग्री होता है। सो जो दूसरा क्वेश्चन पूछा है, विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड ट्रू इफ द क्वाड्रिलेटर इज नॉट कॉन्वेक्स, मतलब ये पूछा है कि अगर क्वाड्रिलेटर कॉन्वेक्स नहीं हुआ तो भी उसका सम 360 डिग्री होगा क्या, तो आंसर है यस। सो जो फर्स्ट का आंसर 360 डिग्री है, सेकंड का आंसर यस, ओके। सो गाइस हम इस एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस को दूसरे वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है गाइस।